करते क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे भी ये पूछा गया कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 48। दो फ्रेंड्स हैं जिनकी दोनों की एजेस का सम 20 है और 4 साल पहले जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना है 48। अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं ऐसे आपको पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट द एज of one friend be x years, है ना? तो age of another friend is how much? 20 minus x, है ना? Present age, यहाँ पे एक important चीज क्या है? Present age, है ना? Present age जो है एक friend की अगर x years है तो present age दूसरे friend की कितनी होगी? 20 minus x, क्योंकि दोनों की ages का sum 20 है ना? तो x plus 20 minus x क्या देगा? 20 देगा, तो वही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर है 4 years ago, क्या बोल रहे हैं? 4 years क्या ago, 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 years ago means जो age of one friend है, age of one friend वो क्या होगा? x minus 4, और age of another friend वो क्या होगा? 20 minus x minus 4, क्योंकि 20 minus x तो इस थी, उसमें से 4 क्या कर देंगे? minus, तो 20 minus 4 क्या हो जाएगा? 16 minus x, okay? तो ये हो जाएगी 4 years पहले। तो according to question क्या बोल रहे हैं? According to question वो ये बोल रहे हैं कि उनका product 4 साल पहले जो उनकी age थी उनका product किसके equal है? 48 के equal है। तो 4 साल पहले वाले फ्रेंड की कितनी थी? अभी x है तो 4 साल पहले x minus 4, और उसकी 20 minus x में से 4 क्या कर देंगे? minus कर देंगे। तो according to question x minus 4 into 16 minus x equals to 48 बता रहे हैं। तो x into 16x, x into minus x, minus x square, ये minus 4 minus 64, और ये हो जाएगा plus 4x equals to 48, ठीक है? तो यहाँ पे 16x और 4x 20x हो जाएंगे, तो minus x square plus 20x minus 64 equals to 48। अब क्या होगा कि 48 को आप इधर लाइए, ये हो जाएगा minus x square plus 20x minus 64 और minus 48 equals to 0, है ना? तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है? तो वो हो जाएगा minus x square plus 20x 48 12, ठीक है, और 64 आपका 10 और 1 1 1 2, है ना? तो ये आपका आंसर आएगा अभी इस, अब इक्वल्स टू क्या? 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल्स टू 0, माइनस उधर चला जाएगा तो ये नलीफाई हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल्स टू 0, ये बनी आपकी इक्वेशन। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करते हैं कि d की वैल्यू आ क्या रही है। b कितना है? माइनस 20, है ना? तो यहाँ पे आएगा d जो है वो है माइनस 20 b हो गया, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है? 1 1 2, तो माइनस 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 4 2 8 4 और 4, तो ये आएगा माइनस 48। कितना आ रहा है? माइनस 48 विच इज लेस देन 0। तो d अगर लेस देन 0 है तो आपने पढ़ा है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये इक्वेशन रियल रूट्स नहीं देगी। तो ये कंडीशन पॉसिबल हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई? माइनस। तो यहाँ तो x फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा और वैल्यू दे ही नहीं पाएगा, ओके?